नृत्य में तो चार चांद लगाता ही, और साथ ही शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन रत्नों की पहचान कैसे करें, तो आइए हम आज आपको मिलाते हैं रत्नों के पारखी योगेंद्र जैन जी से। योगेंद्र जी, नीलम पत्थर किन राशि के लिए और किन समस्याओं के लिए पहनना चाहिए? नीलम शनि ग्रह के लिए होता है। शनि ग्रह एक आदमी की अपनी औसत आयु में आदमी अपनी जिंदगी में 3 बार ही शनि मैक्सिमम देख सकता है। शनि एक बार आने के बाद लगभग 33 साल के लिए एक आदमी की जिंदगी में आता है जी। और शनि जो है ये बहुत कुछ जीवन में उतार चढ़ाव के लिए बहुत जरूरी होता है। शनि ही भाग्य को बनाता है और भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। योगेंद्र जी, नीलम पत्थर को किस उंगली में और किस धातु में पहने तो ये लाभ करेगा? नीलम सर्वश्रेष्ठ रहता है कि पल्स धातु की अंगूठी बनाई जाए और मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। पंच धातु जैसे नाम? पंच धातु में 5 धातु का मिक्सचर होता है, उसमें खास तौर से लोहे की मात्रा हो जाने से शनि के नीलम पत्थर नीलम की और पावर बढ़ जाती है और वर्किंग और तेज हो जाती है। योगेंद्र जी, नीलम रत्न की कीमत क्या है? नीलम रत्न महंगे रत्नों में आता है। ये लगभग 1000 रुपए रत्ती से लेकर और 5-10 हजार रुपए रत्ती तक भी हो सकता है। ये थे हमारे साथ योगेंद्र जैन जी, जिन्होंने शनि के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए नीलम रत्न के बारे में आज हमें जानकारी दी। जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उच्च कोटि के रत्नों, रुद्राक्षों एवं रुद्राक्ष मालाओं के विक्रेता शालीभद्र जौहरी, गली नंबर 30, नजीराबाद, लखनऊ, केसर बाग चौराहे से अमीनाबाद के रास्ते में। सही रत्नों की जानकारी के लिए लॉग इन करें ykj51541@gmail.com।